कलयुग का अर्थ होता है जहां व्यर्थ का मूल्य है, जहां संत का कोई मूल्य नहीं है राजनेता का मूल्य, जहां ध्यान का कोई मूल्य नहीं धन का मूल्य, जहां प्रेम का कोई मूल्य नहीं चालबाजी गणित तर्क चतुरता इस सब का मूल्य है। यहां जो जितना सफल होता है उसी मात्रा में सफल हो पाता है जिस मात्रा में चालबाज हो चतुर हो कुशल हो जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो। कलयुग का अर्थ होता है जहां सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहां कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहां परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहां इस जिंदगी में और सब कर लेना है सिर्फ परमात्मा को छोड़ देना है। ऐसे कलयुग में भी जो तेरे नाम से जुड़ गया उपासित कहते हैं वो नहीं डूबा। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तिर गया। भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबो। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तिर गया। जैसे उसकी याद तुम्हारे भीतर उतरनी शुरू होती है वैसे ही तुम बाहर के जाल से टूटने लगते हो। तुम्हारी ऊंचाई जितनी बढ़ने लगती उतनी ही संसार की सारी ऐश्वर्याएं बढ़ जाती। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता चैतन्य की ऊंचाई चेतना। बाहर के जाल की मूढ़ता तुम्हें दिखाई पड़ने लगती। धीरे धीरे तुम बाजार में खड़े रह जाते हो लेकिन अकेले। तुम्हारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है भीड़ से टूट जाता है। यही उबरना। जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबो। जब तक संसार ने तुम्हें डुबाया। संसार को छोड़ने का एक ही अर्थ होता है भीड़ से मुक्त हो जाना। भीड़ ने तुम्हें धारणाएं दी है विचार दिए, भीड़ ने तुम्हें वासनाएं दी दी महत्वाकांक्षाएं दी। भीड़ से मुक्त हो जाने का अर्थ है इंसान की व्यर्थता को देखना। कर्म भी चले जाएंगे, बुरे कर्म भी चले जाएंगे, अच्छे कर्म भी चले जाएंगे, दोनों विलीन हो जाएंगे। तुम जरा उसकी याद करो क्योंकि अच्छा कर्म हो कि बुरा कर्म दोनों कर्म अहंकार को मजबूत करते हैं। तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबो। जहां प्रेमी लूट लिया जाता है चालबाजी गणित तर्क चतुरता इस सब का मूल्य। जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबोगे।